ज्वालियप मंडल के अंतर्गत सिद्धपुर घाट गांव से करीब 8 माह पहले लापता हुए लालदीन के घर में एक गुमनाम चिट्ठी मिलने से लालदीन के परिजनों में खलबली मच गई। बता दें कि लालदीन के परिजनों को डाक के माध्यम से एक गुमनाम पत्र मिला है जिसमें लालदीन का मर्डर करने वाले लोगों के नाम लिखे हैं, जबकि पत्र लिखने वालों ने अपना नाम पत्र में नहीं लिखा, जिस पर लालदीन के परिजन पूर्व पंचायत प्रधान जीवन कुमार व राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस थाना ज्वाली पहुंचे और उक्त गुमनाम पत्र पुलिस के हवाले कर दिया गया तथा इस पत्र की गहनता से जांच की मांग उठाई है कि आखिरकार चिट्ठी कहां से आई और किसने भेजी है। लालदीन के परिजनों ने बताया कि 28 नवंबर 2018 को लालदीन शाम को कहीं घर से चला गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। 29 नवंबर को ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी परंतु अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। कल 2 बजे साकी चिट्ठी मिली है, फिर ऐसे आएगी थाने देती है चिट्ठी कि 8 महीने हो गए उसकी बच्चे दी, फिर कार कोई सुनाई करते नहीं थाने वाले, 8 महीने तो हो गए ना एक लंबी साकी। और कल 8 महीने के बाद कल चिट्ठी आई है, 2 बजे चिट्ठी आई और उसके बाद थाने में गए और चिट्ठी की जांच की जाए। प्रधान राजेंद्र सिंह चित्रकार, ये हमारे गांव का कोनाल से ये लालदीन है जो जाति से संबंध रखता है, ये कम से ये लगभग 8 महीने से गुम है। ये लोग कई बार गुज्जर कम्युनिटी के जहां पर थाना ज्वाली में आते रहे हैं, आज तक कोई गंभीरता से इसकी कोई जांच नहीं हुई और ये पिछले कल ये इनको एक अननोन आदमी की एक चिट्ठी मिली है, उस पर कोई भी उसका कोई नाम पता नहीं है। अब जिन उन्होंने उस पर चिट्ठी में ये लिखा है कि इस चिट्ठी द्वारा ये खुलासा हुआ है, औरतों ने खुलासा किया है कि उन आदमियों के जिन्होंने उसका मर्डर किया है वो आदमी फलां आदमी हैं, तो आज हम फिर दोबारा थाना ज्वाली में लालदीन की पत्नी व उसका परिवार सहित और कुछ गुजर कम्युनिटी के लोग हमें लेकर के ज्वाली थाना में आए, जिनके नाम लिखे थे उनके परिवार औरतों सहित बुलाए गए हैं, उनसे कुछ SHO साहब ने उनसे छानबीन की है और कुछ लोगों को कल के लिए बुलाया गया है और हमें ये आश्वासन दिया गया है कि कल उन आदमियों को बुलाकर थोड़ा सख्ती से पूछताछ की जाएगी। अब हम आगे देखेंगे कि कल पुलिस थाना ज्वाली कहाँ तक क्या